for 400 years. That work has kept us down. हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष और आज मैं आप लोगों को दुनिया की पांच सबसे ऑफेंसिव मूवीज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले नंबर 5 पे है ट्रॉपिक थंडर, और ये मूवी एक एक्टिंग ग्रुप के बारे में जो वियतनाम में एक वॉर मूवी की शूटिंग कर रहे होते हैं, पर मूवी की शूटिंग सही नहीं चल रही होती है क्योंकि इस मूवी के एक्टर्स आपस में लड़ते रहते हैं। और इन सब चीज़ों से परेशान होकर फिल्म का डायरेक्टर इन एक्टर्स को एक जंगल में ले जाता है और वो इन एक्टर्स से रियल लाइफ लोकेशन पर एक्टिंग करवाता है। पर मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब उस जंगल में रियल किलर्स आ जाते हैं और ये किलर्स मूवी के एक्टर्स को रियल सोल्जर्स समझ लेते हैं और इसके कारण वो किलर्स एक एक्टर को किडनैप भी कर लेते हैं। अब आगे की मूवी इन एक्टर्स के अपने साथी को बचाने के बारे में, जिसके दौरान हमें बहुत सारे कॉमेडी सीन्स देखने को मिलते हैं। और इस मूवी का सबसे ऑफेंसिव पार्ट रॉबर्ट डाउनी जूनियर का ब्लैक फेस है। फिर नंबर 4 पे है द डिक्टेटर, और ये मूवी अलादीन नाम के मिडिल ईस्ट के डिक्टेटर के बारे में है। और मूवी में अलादीन को बहुत ही हैपनिंग और फनी डिक्टेटर दिखाया है। और एक दिन अलादीन को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी मीटिंग को अटेंड करने के लिए न्यूयॉर्क बुलाया जाता है, और इस मीटिंग के दौरान जब वो होटल में पहुंचता है तब उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और अलादीन को उसके बॉडी डबल से रिप्लेस कर देते हैं। अब आगे की मूवी अलादीन के अपने बॉडी डबल को मार के वापस डिक्टेटर बनने के बारे में। द डिक्टेटर में बहुत सारे ऑफेंसिव सीन्स हैं और इस मूवी के मेकर्स ने लगभग हर कम्युनिटी का मजाक बनाया है। फिर नंबर 3 पे है द कैंपेन, और ये मूवी कैम ब्रेडी नाम के कांग्रेसमैन के बारे में है। और कैम अपनी सीट से 4 बार बिना किसी ऑपोजिशन के जीत रहा होता है, पर मूवी इंटरेस्ट तब आता है जब कैम अपने 5वें टर्म के लिए नॉमिनेशन भर रहा होता है और उसके ऑपोजिशन में मार्टी नाम का आदमी खड़ा हो जाता है। और मार्टी बहुत ही नाइव और फनी होता है, और जब कैम और मार्टी अपने कैंपेन के दौरान मिलते हैं तब उनके बीच फाइट हो जाती है जो बहुत ही फनी होती है। और कांग्रेसमैन बनने के लिए कैम और मार्टी अपने वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए हर तरीके की कोशिश करते हैं। अब आगे की मूवी कैम और मार्टी के आपस में कांग्रेसमैन की सीट के लिए लड़ने के बारे में है, और इस सीट के लिए कैम और मार्टी दोनों किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। और इस मूवी का सबसे फनी और ऑफेंसिव सीन मार्टी और उसकी फैमिली के डाइनिंग टेबल वाला है, जिसमें मार्टी की फैमिली उसे अपने डार्क सीक्रेट्स बताती है। फिर नंबर 2 पे है द इंटरव्यू, और ये मूवी एरन और डेव के बारे में जो लेट नाइट शो को होस्ट करते हैं। और जब एरन और डेव अपना शो कर रहे होते हैं तब उनको नॉर्थ कोरिया से किम जोंग उन के सेक्रेटरी का मैसेज आता है, और एरन और डेव को किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया अपना इंटरव्यू लेने के लिए इन्वाइट करता है। और जब ये बात CIA को पता चलती है तब CIA एरन और डेव को किम जोंग उन को मारने का मिशन देते हैं। अब आगे की मूवी एरन और डेव के नॉर्थ कोरिया जाके किम जोंग उन को मारने के बारे में, जिसके दौरान इन लोगों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और मेरे लिए मूवी का सबसे फनी और ऑफेंसिव पार्ट डेव और किम जोंग उन की दोस्ती है, जिसके दौरान डेव और किम साथ में मिलकर वेस्ट को रोस्ट करते हैं। फाइनली नंबर 1 पे है दिस इज द एंड, और ये मूवी सैम बरूचा और सेथ रोगन के बारे में है जो जेम्स फ्रैंको की एक पार्टी में आए होते हैं। और इस पार्टी के दौरान पूरी दुनिया में एक ब्लू लाइट आसमान से निकलती है और कुछ लोगों को अपने साथ ले जाती है। और जब जेम्स फ्रैंको की पार्टी में आए हुए लोगों को ये पता चलता है कि बाहर अपोकलिप्स आया है तब ये लोग पैनिक करने लगते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। अब आगे की मूवी इन एक्टर्स के इस डिजास्टर से बचने के बारे में है, और इस मूवी में बहुत सारे फनी और ऑफेंसिव सीन्स हैं जिन्हें देखकर आप हंस हंस के पागल हो जाओगे।